हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन कंफर्ट। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कंफर्ट के बारे में, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे द थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विद द एनवायरनमेंट, कि हमारी बॉडी का थर्मल एक्सचेंज कैसा होता है एनवायरनमेंट के साथ, कैसे हमारी बॉडी रेसिप्रोकेट करती है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन कंफर्ट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे एक जनरल आम इंसान का जो कंफर्ट है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब एक ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है, टेम्परेचर को लेके और ह्यूमिडिटी को लेके, वो हम यहाँ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो कंफर्ट कंडीशन, सो कंफर्ट कंडीशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। और कंफर्ट कंडीशन में सबसे पहला आता है ह्यूमन कंफर्ट, ठीक है। तो ह्यूमन कंफर्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स एसरे, द ह्यूमन कंफर्ट इज दैट कंडीशन ऑफ माइंड, ह्यूमन कंफर्ट इज दैट कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेसेस सेटिस्फेक्शन विद द थर्मल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब एक माइंड की एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो ह्यूमन का माइंड है, ठीक है, वो क्या करता है, सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करता है विद द थर्मल एनवायरनमेंट। जो भी उसकी थर्मल एनवायरनमेंट है उसके साथ उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो ह्यूमन का माइंड है उसको, दैट मींस ही फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन कंफर्ट कहलाता है, ठीक है। तो ह्यूमन कंफर्ट इज द कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेसेस सेटिस्फेक्शन विद द थर्मल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जो ये थर्मल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी है वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हमारी बॉडी का थर्मल एक्सचेंज कैसा होता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे है कि ह्यूमन बॉडी वर्क्स बेस्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर लाइक मशीन, बट इट कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे मशीन्स हमारे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी मशीन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक टेम्परेचर पे बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होती है ये बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर का वेरिएशन है इसको टॉलरेट नहीं कर सकती है, ठीक है। और द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स इट्स थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट बाय मींस ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर लाइक एवपोरेशन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। और जो हमारी बॉडी है वो एनवायरनमेंट के साथ हमेशा एक थर्मल इक्विलिब्रियम बना के रखती है बाय यूजिंग द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आपकी बॉडी से एवपोरेशन होता है, आपकी बॉडी से रेडिएशन भी होता है, और बाय थ्रू द कन्वेक्शन द बॉडी मेक्स द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। जो आपकी बॉडी है वो बाहर की जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे थर्मल इक्विलिब्रियम बना के रखती है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी कंफर्टेबल कब फील करती है, सबसे पहले तो ये बात आती है, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर आपकी बॉडी उतनी हीट लॉस कर रही है बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगा, और उस केस में जो आपकी बॉडी है वो कंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। और इस फिनोमिनन को हम इक्वेशन के टर्म्स में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज गिवन बाय क्यूएम माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूई प्लस माइनस क्यूआर प्लस माइनस क्यूसी प्लस माइनस क्यूएस, ठीक है। तो जो QM है यहाँ पे हमारा, दैट इज द मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के वजह से हमारे जो बॉडी है उसमें मेटाबॉलिक जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस इक्वेशन एज QM, ठीक है। एंड W इज द वर्क यूजफुल रेट ऑफ वर्किंग, हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो वर्क करने से भी हमारी बॉडी में जो है वो हमारा हीट जो है लॉस होता है, हमारी बॉडी से हमारी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे W से दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड Q1 माइनस W आपका क्या दिखा रहा है, Qm माइनस W इज शोइंग द हीट टू बी डिसिपेटेड टू द एटमोस्फेयर, कि आपकी बॉडी कितनी हीट एनवायरनमेंट को डिसिपेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि Qm क्या है, आपका अमाउंट जो कि अमाउंट ऑफ हीट जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, W क्या है, तो जो हीट डिसिपेट हो रहा है टू द एटमोस्फेयर, जो आप वर्क करो दैट इज W, ठीक है। तो जो आपकी टोटल जो हीट डिसिपेट हो रही है एनवायरनमेंट में, दैट इज गिवन बाय Qm माइनस W, ठीक है। उसके बाद आपका QE हो सकता है, QE इज द हीट लॉस बाय एवोपरेशन, ठीक है। एंड QR इज द हीट लॉस और गेन्ड बाय द रेडिएशन, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, देखिए
जो हीट है आपका इन्वायरमेंट में, आपकी बॉडी लॉस भी कर सकती है इन्वायरमेंट से, हीट गेन भी कर सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, मतलब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सिमिलरली आप क्यूसी यहाँ पे देख सकते हो, हीट लॉस और गेन बाय द कन्वेक्शन को दिखा रहा है। सिमिलरली जो आपका क्यूएस है, दैट इज शोइंग द हीट स्टोर्ड इन द बॉडी, कि आपकी बॉडी में हीट कितनी स्टोर्ड हो रही है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम समझ लेते हैं, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे टर्म देखी है, क्यू एम डब्ल्यू और क्यू ई क्यू आर क्यू सी, इनको एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक हीट जो होती है, मेटाबॉलिक हीट किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेटाबॉलिक हीट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ फूड एनर्जी कंजम्पशन इन द बॉडी, आप कितना खाना खा रहे हो इस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो कितना होगा, ठीक है। इसको आप मेजर भी कर सकते हो, आप अपनी बॉडी का वेट डाल के अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा, वहां से आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप फास्टिंग कर रहे हो या आप ज्यादा खाना खा रहे हो, ठीक है। बाकी आपके उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई बूढ़ा आदमी है तो उसका अलग होगा, एज पे भी डिपेंड करता है। तो ये काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होगा वो क्या होगा। ए फास्टिंग और वीक और सिक मैन विल हैव द लेस मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, जो वीक मैन होंगे या जो सिक मैन होगा या किसी ने अगर फास्टिंग करी हुई है तो उसका जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो कम होता है, ठीक है। वो मतलब कम, उसकी बॉडी जो है वो कम हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसी के बाद आपका देख सकते हो QE जो है आपका, ठीक है। QE क्या था हमारा, एवोपरेशन की वजह से जो हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो QE जो है हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर आपको पता है कि पसीना आता है और वो पसीना जो एवोपरेट होता है उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं एवोपरेशन, जो हीट लॉस ड्यू टू द एवोपरेशन बोल रहे हैं इसको, दिस QE इज द हीट लॉस बाय द एवोपरेशन। तो एवोपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द स्किन सर्फेस एंड द सराउंडिंग एयर, जो सराउंडिंग एयर का हमारा प्रेशर होगा और जो आपकी स्किन का जो प्रेशर हो, स्किन सरफेस पे जो प्रेशर होगा उसके बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा वेपर का, दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ क्यू ई, ठीक है। तो जो क्यू ई है इसको हम लोग गिवन दे, जो क्यू ई है दिस इज गिवन बाय, क्यू ई इज गिवन बाय सी डी ए पी एस माइनस पी वी मल्टीप्लाइड बाय एच एफ जी इंटू सी सी, दिस इज द इक्वेशन बाय विच द क्यू ई इज गिवन, ठीक है। तो क्यू ई हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ पे सी डी विल बी द डिफ्यूजन कॉफिशियंट इन के जी ऑफ वाटर एवोपरेटेड पर यूनिट सर्फेस एरिया एंड द प्रेशर डिफरेंस पर आवर, ठीक है। इसी तरह से ए जो है आपका यहाँ पे, दिस इज द स्किन सरफेस एरिया, ए आपका स्किन सरफेस एरिया को दिखा रहा है, ठीक है। और जनरली जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो स्किन सरफेस एरिया होता है वो होता है 1.8 मीटर स्क्वायर फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका पी एस है, दैट इज द सैचुरेशन वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द स्किन टेम्परेचर, जो भी आपकी स्किन का टेम्परेचर है तो जो आपका उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेशन प्रेशर मिलेगा स्टीम टेबल में, ठीक है, दैट विल शो यू द वैल्यू ऑफ पी एस, ठीक है। उसके बाद आपका पी वी है, पी वी विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग एयर, जो भी सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग आप अगर स्टीम टेबल देखोगे तो वहां पे आपको ये वैल्यू, ये पी वी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका एच एफ जी जो है, एच एफ जी होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज गिवन बाय 2450 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। आपका सीसी क्या है, दिस इज द फैक्टर विच अकाउंट्स फॉर क्लोथिंग। देखिए, आप डिफरेंट तरीके के लोग हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके की क्लोथिंग हो सकती है, तो जो आपका बॉडी का जो एवोपरेशन, हीट लॉस बाय एवोपरेशन है, वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो क्लोथिंग है वो किस तरीके से आपने पहनी हुई है, ठीक है। जो क्यूई की वैल्यू है वो जीरो होगी व्हेन पीएस विल बी इक्वल टू पीवी, जब आपका पीएस की वैल्यू पीवी के बराबर हो जाएगी तो जो क्यूई है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका हीट जो थर्ड था इक्वेशन में, दैट इज द क्यूआर। क्यूआर क्या है, QR है आपका हीट लॉस और हीट गेन बाय द रेडिएशन। तो जैसा मैंने बताया, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी जो है वो हीट गेन करेगी या हीट लॉस करेगी थ्रू द रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि द हीट लॉस और गेन बाय द रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी टू द सराउंडिंग डिपेंड्स अपॉन द मीन रेडिएंट टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। जो आपका मीन रेडिएंट टेम्परेचर है बॉडी का, उस पर डिपेंड करेगा। व्हेन मीन रेडिएंट टेम्परेचर इज लोअर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, जब आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो रूम के एयर का है उससे अगर आपका जो टेम्परेचर है वो लोअर है, ठीक है, उस केस में जो क्यू आर की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। उस केस में आपकी जो क्यू आर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बट व्हेन द मीन रेडिएंट टेम्परेचर इज हायर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो बाहर की एयर है उससे, तो उस केस में आपकी बॉडी क्या करेगी, हीट लॉस करेगी। उस केस में जो क्यूआर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है।
सिमिलरली आप जो कन्वेक्शन है उसके थ्रू आपका आपकी बॉडी में कितना हीट गेन हो रहा है या कितना हीट लॉस हो रहा है वो भी निकाल सकते हो. दैट इज गिवन बाय क्यूसी, और क्यूसी की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय यू ए टी बी माइनस टी एस, वेयर यू इज द बॉडी फिल्म कॉफिशियंट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड ए इज द बॉडी सर्फेस एरिया. और जिसका मैंने बताया कि बॉडी सर्फेस एरिया जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का लिया जाता है 1.8 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर कोई लंबा चौड़ा आदमी नहीं है तो लंबे चौड़े आदमी का हो सकता है कि जो बॉडी जो उसका एरिया सर्फेस एरिया हो वो ज्यादा हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का 1.8 मीटर स्क्वायर लिया जाता है. ठीक है, नॉर्मल एरिया. और जो टीबी है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर होगा. एंड टीएस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, की सराउंडिंग एयर का क्या टेम्परेचर है. तो जो आपका कन्वेक्शन होगा दैट हीट लॉस थ्रू द कन्वेक्शन या जो हीट गेन थ्रू द कन्वेक्शन होगा ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी से हीट लॉस होगी कन्वेक्शन में. ठीक है, उस केस में इस क्यूसी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी द नेगेटिव. लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है उस केस में आपकी बॉडी में हीट गेन होगा थ्रू द कन्वेक्शन और उस केस में क्यूएस की वैल्यू क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक आदमी बना हुआ है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 30 मान लो कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, इसके बॉडी का टेम्परेचर और बाहर की एयर का टेम्परेचर 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी बॉडी से जो हीट है वो यहाँ पे लॉस होगी क्यूसी, तो यहाँ पे एक क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. ठीक है, so when the QE, QC and QR are high and positive and QC plus QR plus QC is greater than QM minus QW, देखो जब आपकी वैल्यू जो आपकी राइट साइड की इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे जो राइट साइड थी इक्वेशन की राइट साइड में आपके क्या लिखी हुई थी, दैट इज QC plus QR plus QC plus QS. ठीक है, तो जब ये सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, मान लो कि आपकी ये सारी वैल्यू हाईली हाई है बहुत ज्यादा है एंड सारी वैल्यू आपकी अगर पॉजिटिव है तो जो QE plus QR plus QC है ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है QM plus QW से. ठीक है, उस केस में क्या होगा, देन द हीट स्टोर्ड इन द बॉडी विल बी नेगेटिव. इस केस में जो आपका ये QS आएगा दैट QS, अब अगर मान लो कि आपकी जो ये वैल्यू है दैट मीन्स दिस QE प्लस क्यू आर प्लस क्यू सी, इसकी वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है आपकी क्यू एम प्लस क्यू एम माइनस डब्ल्यू से. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हीट हमारा होगा, हीट स्टोर्ड इन द बॉडी होगा दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो क्यू एस की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, अगर ये आपका ज्यादा हो जाता है तो जो क्यू एस की वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वैल्यू आपकी कम होती है और ये क्यू एम माइनस क्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो क्यू एस होगा दैट विल बी पॉजिटिव. तो ये दो केसेस आपके पास हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपका QS की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मींस अगर आपका हीट स्टोर्ड इन जो बॉडी है दैट मींस अगर आपका QE प्लस QR प्लस QC अगर आपका पॉजिटिव हो जाता है और ज्यादा हो जाता है QM माइनस QW से तो उस केस में QS की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. तो अगर आपकी QS की वैल्यू नेगेटिव हो गई दैट मींस हीट स्टोर्ड इन द बॉडी अगर आपकी नेगेटिव हो गई इसका मतलब जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा. उस केस में जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा. जनरली जो इस तरह का केस होता है वो तब होता है जब आप फास्टिंग करते हैं या कोई सिक हो जाता है मैन, कोई सिक मैन होता है या जो ओल्ड मैन होते हैं, ठीक है, उनमें जनरली इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, तो सिक एंड वीक को ओल्ड और फास्टिंग मैन फील्स मोर कोल्ड, तो इसलिए जो फास्टिंग मैन होते हैं जो आप फास्टिंग करते हो जब तो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होता है. ठीक है, तो इसीलिए आपको ठंडा महसूस होता है क्योंकि जो हीट स्टोर इन बॉडी है वो आपकी नेगेटिव हो जाती है. जो वैल्यू ऑफ क्यू ई प्लस क्यू आर प्लस क्यू सी है दैट विल बी ग्रेटर देन क्यू एम माइनस डब्ल्यू. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपकी जो वैल्यू ये क्यू एम माइनस क्यू डब्ल्यू की वैल्यू ऑन द अदर हैंड अगर आपकी ये जो वैल्यू है क्यू एम माइनस डब्ल्यू की ये अगर ज्यादा हो जाती है क्यू आर प्लस क्यू सी प्लस QE प्लस QR प्लस QC से अगर ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी QS की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव. तो उस केस में आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो उस केस में जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपको क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है. ठीक है, तो जनरली जो फीवर होता है वो इसी वजह से होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है दैट मीन्स जो बॉडी के जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो आपका हीट जनरेट कर रहा है जब वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू जो आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रहा है उससे तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. ठीक है, और आपको कैसा फील होता है, फीवर फील होता है आपको. ठीक है, और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो द मैन विल गेट फीवर व्हेन द हाई इंटरनल एक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, एंड क्यूएम इन सच एक्सटेंट सो दैट द क्यूएस बिकम
पॉजिटिव। तो जब आपका QS आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपको फीवर हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा आपको कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फारेनहाइट होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। ये कब होता है, जब आपकी QS की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मतलब जब आपकी बॉडी जो इन्वायरमेंट है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम बना के रखती है, उस केस में जो आपका टेम्परेचर है बॉडी का वो कॉन्स्टेंट रहता है, और वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है QM माइनस QW की, ठीक है, सॉरी QM माइनस W की जो वैल्यू है आपकी, अगर वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट हो रही है और आपकी बॉडी से हीट लॉस कम हो रहा है, उस केस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको फीवर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल बिकम डेंजरस व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फारेनहाइट। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 फारेनहाइट से नीचे जाता है तो इट विल बिकम डेंजरस फॉर द ह्यूमन, ठीक है, तो उस केस में आपका डेंजरस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40.5 दैट मींस 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपका दैट मींस 105 फारेनहाइट से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इट विल बी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन कंफर्ट के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि विच आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द ह्यूमन कंफर्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन डिजाइनिंग द विंटर और समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम द डिजाइनर शुड बी वेल कन्वर्जेंट टू द नंबर ऑफ फैक्टर विच फिजियोलॉजिकली अफेक्ट द ह्यूमन कंफर्ट। तो जो डिजाइनर होते हैं विंटर या समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के, उनको ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि वो कौन से फैक्टर है जिसपे ह्यूमन का जो कंफर्ट है वो हमारा डिपेंड करता है, और उस सिस्टम को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो हमारा सिस्टम हो वो मैक्सिमम ह्यूमन कंफर्ट क्या करे, प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ फैक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर है इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। तो हम एक एक करके ये जितने भी फैक्टर हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर होता है आपका इफेक्टिव टेम्परेचर, दैट इज द इफेक्टिव टेम्परेचर। उसके बाद होता है आपका हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट एंड मॉइस्चर लॉसेस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से मॉइस्चर का कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, और हीट का कितना लॉस हो रहा है। मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, जो सराउंडिंग एयर है उसमें क्या मॉइस्चर कंटेंट है, इस पे भी डिपेंड करता है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर, जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी है, जो क्वांटिटी है वो कैसी है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो एयर है वो डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एयर मोशन पे भी डिपेंड करती है कि एयर की जो वेलोसिटी रखी है आपने वो कैसी है, जो मोशन है एयर का वो कैसा रखा है आपने। हॉट एंड कोल्ड सर्फेसेस पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है, हॉट एंड कोल्ड सर्फेसेस पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपका रूम है उसमें कितने हॉट सर्फेसेज है और कोल्ड सर्फेसेज है, ठीक है। उसके बाद एयर स्टेरिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। एयर स्टेरिफिकेशन बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें जो गर्म एयर है वो ऊपर चली जाती है और जो ठंडी एयर है वो नीचे रह जाती है। तो बॉडी जो रूम का जो रूम है उसमें एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, तो वो हमारा एयर स्टेरिफिकेशन कहलाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसपे जो हमारा ह्यूमन कंफर्ट है ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है। देखिए द डिग्री ऑफ वार्मथ और कोल्ड, ठीक है, जो एक गर्मी या एक कह सकते हैं ठंडक जो फील होती है एक जनरल ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, वो मेनली तीन चीजों पे डिपेंड करती है ह्यूमन बॉडी पे। पहला डिपेंड करता है वो ड्राइबल टेम्परेचर, दैट मींस जो आपके सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर है वो कितना है उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा वो डिपेंड करता है कि आपकी जो सराउंडिंग एयर है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, मतलब उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है फाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है कि जो एयर की वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है, आपकी एयर की वेलोसिटी, जैसे आप पंखा चलाते हो तो आपको कंफर्टेबल फील होता है, इसका रीजन ये है कि आप एयर की वेलोसिटी बढ़ा देते हो, ठीक है, और एयर की वेलोसिटी जब आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, वो एयर आपके जो बॉडी है उसके ऊपर से फ्लो करती है, आपकी बॉडी से एवोपरेशन होता है और उस एवोपरेशन की वजह से आपको क्या लगता है, ठंडा लगता है, ठीक है, एंड यू विल फील मोर कंफर्टेबल, ठीक है। तो वो एयर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इवेलुएट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर द टर्म इफेक्टिव टेम्परेचर इज यूज। तो इफेक्टिव टेम्परेचर जो टर्म यूज की जाती है वो बेसिकली इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन्हीं तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक ह्यूमन कंफर्ट पे, वो डिसाइड करने के लिए इफेक्टिव टेम्परेचर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सो इट इज डिफाइंड एज द इंडेक्स विच कोरिलेट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर वेलोसिटी ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह का एक इंडेक्स है जो कि कोरिलेट्स करता है कंबाइंड इफेक्ट को, कि एयर टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट एक ह्यूमन बॉडी पे
क्या होगा, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ये जो था इसने क्या किया था कि इसने बहुत सारे जो लोग थे उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है वो कब कंफर्ट फील करता है, ठीक है। तो एसरे हैज कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन पीपल एट डिफरेंट एनवायरमेंट टेम्परेचर्स, डेवलप्ड अ कंफर्ट चार्ट एंड टू फाइंड द कंफर्ट जोन, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके हिसाब से उन्होंने एक कंफर्ट चार्ट डेवलप किया जो आपको रेफ्रिजरेटर के उसके पीछे आपको कंफर्ट चार्ट मिल जाता है। मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा कि कंफर्ट चार्ट होता कैसा है, ठीक है। तो कंफर्ट चार्ट आप देख सकते हो, कंफर्ट चार्ट जो है वो बनाया गया कि ये एक ह्यूमन बीइंग जो है हमारा जनरली किस टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ वेट एंड ड्राइबल टेम्परेचर विद डिफरेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। तो जो बहुत सारी कंडीशन होती है, मतलब एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की एक कंडीशन को मिला करके, ठीक है, आप सेम इफेक्टिव टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब आपको सेम फीलिंग आ सकती है गर्मी की या ठंडक की, ठीक है, विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ। हो सकता है कि आपको 22 डिग्री आपने टेम्परेचर रखा और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी तो यू विल फील कंफर्टेबल। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेम्परेचर मान लीजिए 25 रखा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी और कम कर दी, ठीक है, तो उससे आपको कंफर्टेबल फील हुआ। तो जो आपका टेम्परेचर है और जो आपकी ह्यूमिडिटी है ये डिसाइड करते हैं कि आपको कंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा। उसके बाद एयर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट ऑल द पॉइंट्स लोकेटेड इन द कंफर्ट टेम्परेचर लाइन डू नॉट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ इक्वल कंफर्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका कंफर्ट चार्ट होता है उसमें सारे के सारे पॉइंट्स आपके सेम चीज इंडिकेट करते हैं या आपका सेम लेवल ऑफ कंफर्ट को इंडिकेट करते हैं। देखिए जो आपका कंफर्ट चार्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए आप यहाँ पे कंफर्ट चार्ट है, कंफर्ट चार्ट में आप देख सकते हो इधर वेट बल्ब टेम्परेचर है और इधर आपका जो है इधर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इधर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइनें आपको दिख रही है ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, 10%, 30%, 70% और 100%। मैंने यहाँ पे कम लाइनें बनाई है, लेकिन जो आपको एक्चुअल कंफर्ट चार्ट मिलेगा उसमें आपको सारी लाइनें मिल जाएंगी 10% से लेकर 100% तक की, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमने जोन बनाया हुआ है और उस जोन में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंफर्ट जोन, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये जो आपको लिखा हुआ है 18, 20, 22, 24, ये आपका क्या है, दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये आपका क्या है, दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर, ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दीज आर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा कंफर्ट जोन है, ये हमारा एक कंफर्ट जोन है जो कि लाई कर रहा है 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में, और जो हमारा कंफर्ट का टेम्परेचर वो आप देख सकते हो 18 डिग्री से लेकर के और 22 डिग्री से थोड़ा कम, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि 22 के आसपास, 21.6 के आसपास ये होता है। तो ये 18 से लेकर के और 22 के बीच में, जो 22 के बीच में आपका एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो एक्सट्रीमली हाई, जैसे आप, मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सट्रीमली हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक्सट्रीमली लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो कंडीशन है, दिस मे काउज द डिसकंफर्ट, ठीक है, वो आपका डिसकंफर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लो 70% रख दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू, या फिर आपने 30% रख दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू, तो भी हो सकता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को कंफर्टेबल ना फील हो, ठीक है। तो ये जो बीच की वैल्यू है इसमें से आपको कहीं रखनी होती है वैल्यू, ठीक है, अगर एक आप ह्यूमन कंफर्ट के लिए डिजाइन कर रहे हो अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, ठीक है। तो फ्रॉम द चार्ट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अगर समर में मैं बात करूं तो 98% जो पीपल है, ठीक है, 98% जो लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर रखते हैं, इफेक्टिव टेम्परेचर अगर हमारा 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस केस में जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन बीइंग है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। सिमिलरली अगर आप विंटर की बात करें तो विंटर में जो आपका टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, विंटर में 97.7% पीपल फील कंफर्टेबल व्हेन द इफेक्टिव टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका समर के लिए इफेक्टिव टेम्परेचर है दैट इज 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका विंटर के लिए इफेक्टिव टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपका जो समर और विंटर का इफेक्टिव टेम्परेचर है आप देख सकते हो कि डिफरेंट है, ठीक है, मतलब आपको समर में डिफरेंट टेम्परेचर फील होता है और आपको विंटर में डिफरेंट टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो जनरली ये इस तरह का जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या है, आपको याद रखना है इफेक्टिव टेम्परेचर बेसिकली तीन चीजों का जो कंबाइन इफेक्ट है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। वो तीन चीजें क्या है, एक आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर, एक आपका क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है,
और एक आपका क्या है जो एयर मोशन है, दैट मीन्स एयर वेलोसिटी जो है आपका, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो द हीट एंड द मॉइस्चर लॉसेस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए द हीट इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी आइदर थ्रू सेंसिबल और लेटेंट हीट और बोथ, इट शुड बी नोन एज वाइल डिजाइनिंग द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखिए जब आप बोलते हो तो आपकी मुंह से जो एयर निकलती है उसमें आप क्या कर रहे हो, सेंसिबली जो हीट है उसको लॉस कर रहे हो, किसको, एनवायरमेंट को लॉस कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी बॉडी है उसमें से जो पसीना आपका एवोपरेट हो रहा है, दैट इज द लेटेंट हीट लॉस फ्रॉम योर बॉडी। तो जो बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी बॉडी से सेंसिबली और आप कह सकते हो कि लेटेंट हीट दोनों तरीके से यहाँ पे लॉस होता है आपकी बॉडी से हीट का जो है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कर्व की, तो आप ये कर्व देख सकते हैं। पहला जो कर्व है इसमें हमने दिखाया हुआ है ड्राइबल टेम्परेचर और सेंसिबल हीट को, दूसरा जो कर्व है इसमें ड्राइबल टेम्परेचर लेटेंट हीट को, और तीसरा जो कर्व है उसमें इफेक्टिव टेम्परेचर और टोटल हीट लॉस को हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो कर्व ए है उसमें जो मैन है दैट इज वर्किंग एट अ रेट ऑफ 90 किलो न्यूटन मीटर पर आवर की स्पीड से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग रेट है, मतलब ये ज्यादा यहाँ पे वर्क कर रहा है अगर कोई मैन, तो इसका जो ग्राफ है सेंसिबल हीट लॉस का ये है, ठीक है। देख सकते हो आप ये ग्राफ लॉस है, और सेंसिबल हीट लॉस तब क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब अगर कोई आदमी ज्यादा काम करेगा तो सेंसिबल हीट लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो बी है दैट इज फॉर मैन वर्किंग एट रेट ऑफ 45 किलो न्यूटन मीटर पर आवर, दैट मीन्स अगर आधे रेट से वर्क कर रहा है तो उसके लिए जो सेंसिबल हीट लॉस है वो ये ग्राफ है। इसी तरीके से अगर कोई मैन इससे आधे से, दैट मीन्स 22.5 किलो न्यूटन मीटर पर आवर से वर्क कर रहा है, तो उसके लिए जो हीट लॉस के ग्राफ है वो ये है, ठीक है। इसी तरीके से जो अगर कोई मैन रेस्ट पे है, दैट मींस कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, तो भी उसकी बॉडी से हीट लॉस होगा, एंड दैट इज शोन बाय द ग्राफ डी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सेंसिबल हीट लॉस जो है ए के लिए ज्यादा है, बी के लिए कम है, सी के लिए उससे कम है, और डी के लिए सबसे कम है। इसी तरीके से जो लेटेंट हीट लॉस है वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक डायग्राम है, आप देख सकते हो ए बी सी एंड डी, जो सबसे कम हीट लॉस है वो डी, दैट मींस रेस्ट पे जो बॉडी है उसमें लेटेंट हीट लॉस क्या होगा, हमारा कम होगा, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा स्पीडली वर्क करेगा या सबसे ज्यादा हाई रेट से जो वर्क करेगा उसका जो लेटेंट हीट लॉस होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। टोटल हीट लॉस जो है ए का ज्यादा होगा, क्योंकि ए जो है ज्यादा वर्क रेट से हमारा काम कर रहा है। तो इफेक्टिव टेम्परेचर भी आप यहां पे देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा जो आपका फैक्टर है दैट इफेक्ट द ह्यूमन कंफर्ट, दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, जो आपकी एयर होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इज लो ड्यूरिंग द विंटर एज द एवरेज एंड इट इज अबव एवरेज ड्यूरिंग द समर, ठीक है। जनरली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है आपका विंटर में वो काफी कम होता है, जबकि जो समर में आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है एवरेज से, ठीक है। तो जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है, देखिए जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए जो टेम्परेचर दिया गया है वो जनरली आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राइबल टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवन एज 50-60% अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो एक जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज द कम्फर्ट कंडीशन, आप कह सकते हो कि ये आपका एक ह्यूमन बीइंग की कम्फर्ट कंडीशन है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो इसी कंफर्ट कंडीशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी की बात करूं, तो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी जो एयर की होगी, कोई भी एयर है आपके रूम में और वो आपकी बॉडी से कितना मॉइस्चर कैरी करेगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक आपका ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ एयर पे डिपेंड करता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ जो एयर होता है, दूसरा आपका डिपेंड करता है वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर पे, ठीक है। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ठीक है, बेसिकली ये वेट बल्ब टेम्परेचर ये दिखाता है इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स अगर किसी आपका पर्टिकुलर एयर में जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, मान लीजिए कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री है और वेट बल्ब टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और कोई एयर है जिसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और इसका वेट बल्ब टेम्परेचर मान लेते हैं कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो जो मॉइस्चर की जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी या जो कैरिंग करने की कैपेसिटी होगी वो इस वाली एयर में ज्यादा होगी, इस वाली एयर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस एयर के, ठीक है, इस एयर के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो आपका ये दिखाता है कि जो एयर है वो कितनी सैचुरेटेड है, ठीक है। क्योंकि आप तो आप डेफिनेशन पे अगर जाएंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की और वेट बल्ब टेम्परेचर की, तो डेफिनेशन से आप देख सकते हो कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि जब आपने जो साइक्रोमीटर होता है उसको आप रोटेट करते हो, उसके बल्ब को आप एक वेट क्लोथ से कवर कर देते हो, तो जब आप उसे घुमाते हो तो जो एवोपरेशन होता है वेट क्लोथ पे वो दिखाता है कि आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, ठीक है।
तो जितना ज्यादा एवोपरेशन होगा वेट बल्ब टेम्परेचर आपको उतना कम मिलेगा, ठीक है। तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है, यही एक्चुअली शो करता है कि आपका जो एयर है उसको, उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, या जो आपकी एयर है वो कितनी सैचुरेटेड है, ठीक है, या कितनी अनसैचुरेटेड है, उस पर ये उस पर डिपेंड करता है कि ये जो टेम्परेचर है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन द कोल्ड एयर फ्रॉम द आउटसाइड ड्यूरिंग द विंटर एंटर्स द कोल्ड स्पेस एंड इट विल डिक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडीशन एयर। जनरली जो आपकी एयर होती है विंटर में वो क्या होती है, कम सैचुरेटेड होती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि वो ड्राई एयर होती है ज्यादा, ठीक है। तो जो ड्राई एयर होती है अगर आपके रूम में आती है, कोल्ड एयर अगर आपकी विंटर सीजन में आपकी कोल्ड एयर अगर बाहर से रूम में आती है, तो वो जो आपके रूम में ह्यूमिडिटी है उसको भी इफेक्ट करेगी, जो रूम के एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको भी इफेक्ट करेगी, और आपके जो रूम के एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर समर है तो अगर बाहर की एयर आपके रूम में एंटर करती है तो जो आपके रूम की एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो राइज हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में हमें एयर को डिह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, गर्मियों में हमें एयर को डिह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, और सर्दियों में एयर को हमें क्या करना पड़ता है, ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है। तो जनरली जो विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग एंड ह्यूमिड कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और जो हमारे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग करते हैं कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि जो हमारी एयर होती है उसकी ह्यूमिडिटी गर्मियों में ज्यादा होती है, ठीक है। तो विंटर कंडीशन, इन विंटर कंडीशन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड नॉट बी मोर देन 35-40%, 35-40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी विंटर कंडीशन में, ठीक है। और समर कंडीशन में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60%, 60% से ज्यादा जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो नहीं होनी चाहिए समर कंडीशन में। उसके बाद जो चौथा फैक्टर है जिसपे कि ह्यूमन कंफर्ट डिपेंड करता है वो है आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर, ठीक है। देखिए, एयर इन द कूल्ड स्पेस शुड बी नॉन टॉक्सिक, हेल्थफुल, डस्ट फ्री एंड ऑडर फ्री। जो आपकी एयर है उसमें कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गंध नहीं होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। And it should not contain the fumes like CO2 or any other harmful gases. कोई भी उसमें harmful gases नहीं होनी चाहिए, मतलब जो air की quality है वो अच्छी होनी चाहिए। Quality का मतलब उसका dust free होना है, उसका non-toxic होना, उसका odor free होना, उसमें कोई harmful gases का नहीं होना, ये सारी चीज़ें depend करती है quality पे, ठीक है। तो quality भी बहुत यहाँ पे, जो quality है वो भी effect करता है human comfort को। दूसरा उस पर quantity पे भी depend करता है, ठीक है। If there is no smoking condition, 1 meter cube of outside air is necessary to take care of air conditioning सिस्टम। अगर कोई स्मोकिंग हम रूम में नहीं कर रहे उस केस में 1 meter cube ऑफ जो हमारी आउटसाइड एयर है अगर हम उसको मिक्स करते हैं जो रिसर्कुलेटिंग एयर है उसके साथ, तो उस केस में आप 1 meter cube ऑफ आउटसाइड एयर विल बी सफिशियंट फॉर मेंटेनिंग द एयर कंडीशनिंग कंडीशन। लेकिन अगर आपकी स्मोकिंग हो रही है रूम में, तो रूम में अगर स्मोकिंग हो रही है तो उस केस में आपको 1.5 meter cube ऑफ आउटसाइड एयर जो है आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है रूम में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बाहर की एक पार्ट जो फ्रेश एयर का होता है रूम में हमेशा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आता है, ठीक है। तो जो वो पार्ट है 1 meter cube होगा अगर आपकी स्मोकिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपकी स्मोकिंग हो रही है रूम में तो उस केस में 1.5 meter cube पर मिनट आपको एयर ऐड करनी पड़ेगी अपने रूम में, ठीक है। टू सेटिस्फाई द मिनिमम वेंटिलेशन एंड प्योरिटी, अ मिनिमम ऑफ 0.3 meter cube पर मिनट ऑफ आउटसाइड एयर पर पर्सन इज मिक्स्ड विद 0.6 meter cube पर मिनट ऑफ रिसर्कुलेटेड एयर। देखिए, जो आपका रूम होता है, मान लीजिए ये रूम है, तो इस रूम में एक तो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम से बार बार एयर जो है रूम की वो सर्कुलेट होके आ रही है। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे फ्रेश एयर भी ऐड करते हैं, तो जो फ्रेश एयर होता है वो हम हर सर्कल में हर कुछ समय बाद हम यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। जो एयर फ्रेश एयर है उसको हम यहाँ पे ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेश एयर है आपकी जो मिनिमम वेंटिलेशन कंडीशन है उसके लिए जो आउटसाइड कंडीशन के लिए 0.3 meter cube पर मिनट, एक पर्सन के लिए 0.3 meter cube आपकी एयर पर मिनट ऐड करनी जरूरी होती है विद द रिसर्कुलेटेड एयर ऑफ 0.6 meter cube पर मिनट। 0.6 meter cube अगर आपकी रिसर्कुलेटेड एयर है तो उसके साथ आपको 0.3 meter cube पर मिनट आपको फ्रेश एयर जो है वो ऐड करनी पड़ेगी टू मेंटेन द वेंटिलेशन कंडीशन सो दैट द ह्यूमन विल फील कंफर्टेबल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एयर मोशन। एयर मोशन क्या होता है, नो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज सेटिस्फैक्टरी अनलेस द एयर हैंडेड इज प्रॉपरली सर्कुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका सही तरीके से तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक कि जो एयर आप एयर कंडीशन कर रहे हो वो सही जगह पे ना पहुंच जाए या सही तरीके से सर्कुलेट ना की जाए, ठीक है।
तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है वेलोसिटी। जो आपकी वेलोसिटी है एयर की शुड नॉट एक्सीड 8 to 12 मीटर पर मिनट। जो आपकी एयर की वेलोसिटी है वो 8 से 12 मीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा होगी तो फिर जो आपका जो ह्यूमन बीइंग है वो अनकंफर्टेबल फील होता है, ह्यूमन को अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ एयर शुड बी अलोंग द फेसेज ऑफ इंडिविजुअल रादर देन द रियर साइड एंड इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज, ठीक है। तो जो आपका जनरली एयर होता है उसको हम अलोंग द फेसेस डायरेक्ट करते हैं टू इंडिविजुअल के, ठीक है, इंस्टीड ऑफ रियर साइड, पीछे की बजाय हम फेस पे डायरेक्ट करते हैं, जिससे कि वो जो ह्यूमन है उसको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और जो एयर का फ्लो है उसकी वजह से कोई नॉइज भी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। डाउन फ्लो ऑफ एयर इज प्रीफर्ड ओवर द अप फ्लो। अप फ्लो मतलब एयर को हमें ऊपर की तरफ छोड़ने की बजाय क्या करते हैं, हम हमेशा एयर को नीचे की तरफ छोड़ते हैं, जिससे कि जो पूरा स्पेस है वो एयर नीचे तक जाए और नीचे जितनी भी एयर है उसको ठंडा करने के बाद जो फिर धीरे धीरे उसमें नेचुरल सर्कुलेशन के थ्रू वो ऊपर आए, ठीक है। तो जो डाउन फ्लो है वो जनरली प्रीफर्ड किया जाता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है कोल्ड एंड हॉट सर्फेसिस पे, ठीक है। द कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन स्पेस मे काउज डिसकंफर्ट टू द ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। जो आपके रूम है उसमें हो सकता है कि जो हॉट एंड कोल्ड सर्फेसिस हो कोई, उसकी वजह से भी आपको डिसकंफर्ट हो सकता है। जैसे देखिए, अगर आपका सिंगल ग्लास है ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया व्हेन इट इज एक्सपोज टू द आउटडोर एयर ड्यूरिंग द विंटर विल प्रोड्यूस द डिसकंफर्ट। अगर आपके रूम में कोई बड़ा सा ग्लास लगा हुआ है विंटर एयर कंडीशनिंग के टाइम पे, ठीक है, तो वो जो लार्ज सिंगल ग्लास एरिया होगा उसकी वजह से भी आपका क्या हो सकता है, डिसकंफर्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा कि जो अगर आपका ग्लास लगा हुआ है, बहुत बड़ा ग्लास अगर आपका लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि जो हीट है आपकी, धूप जो आ रही है, हीट आ रही है, वो सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ग्लास, ठीक है। तो इट विल मेक ऑक्यूपेंट डिसकंफर्टेबल, जो ऑक्यूपेंट है उसको डिसकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, इसी तरीके से जो समर है उसमें जो सीलिंग होती है, ठीक है, इफ द सीलिंग इज वार्मर इट मे काउज डिसकंफर्ट टू द ऑक्यूपेंट। अगर समर में जो सीलिंग है अगर वो गर्म हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो आपका ऑक्यूपेंट है उनको डिसकंफर्ट हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सर्फेसेज टू विच द बॉडी मे बी एक्सपोज मस्ट बी गिवन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। जो आपका टेम्परेचर है या जो सर्फेसेज है जिसपे बॉडी एक्सपोज हो रही है उसको भी हमें कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस देना पड़ता है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द ह्यूमन कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट है वो है एयर स्टेरिफिकेशन। तो जैसा मैंने बताया था आपको, एयर स्टेरिफिकेशन क्या होता है कि ठंडी एयर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो जो ठंडी एयर है वो नीचे जाती है और गर्म एयर की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो गर्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जितनी भी गर्म एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, किसी भी रूम में वो सीलिंग की तरफ चली जाती है, ठीक है, और जो ठंडी एयर है वो नीचे आ जाती है फ्लोर की तरफ, ठीक है। तो होता क्या है, इस वजह से जो रूम है उसमें एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, इस चीज को हम एयर स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। और जो हम अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं उसमें हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि जो एयर स्टेरिफिकेशन हो वो कम से कम हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, व्हेन एयर इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज एंड थस इट राइजेज टू द अपर पार्ट ऑफ कन्फाइंड स्पेस। जो आपकी एयर है अगर हीट कर दे हम उसे तो वो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और ऊपर मूव कर जाती है। दिस रिजल्ट इन कंसिडरेबल टेम्परेचर वेरिएशन टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम द फ्लोर टू सीलिंग। जो आपका फ्लोर है और उसमें तो ठंडी एयर है, फ्लोर के पास तो ठंडी एयर है, लेकिन जैसे जैसे आप सीलिंग की तरफ जाएंगे आपको गर्म एयर मिलती है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। एंड सिस्टम शुड बी डिजाइन टू रिड्यूस द एयर स्टेरिफिकेशन टू द मिनिमम। तो आपके सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमेशा, की जो एयर स्टेरिफिकेशन हो वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर ह्यूमन कंफर्ट, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे दोबारा आपको रिवाइज करवा देना चाहूंगा कि जो ह्यूमन कंफर्ट के वो फैक्टर हैं वो क्या है। डिटेल तो आप लोग को शायद समझ में आ ही गया होगा और आप लिख ही लेंगे। तो सबसे पहला आपका इफेक्टिव टेम्परेचर होता है, ठीक है। दूसरा आपका हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड करता है। हीट एंड मॉइस्चर लॉसेज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड करेगा। ये आपका बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपके रूम में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर पे, ड्यूरेबिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करेगा। क्वालिटी मतलब डस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है, उसका कोई हार्मफुल गैसेज उसमें नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एयर मोशन की बात करें तो एयर मोशन भी हमारा एक फैक्टर होता है जो कि ह्यूमन कंफर्ट को डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हॉट एंड कोल्ड सर्फेसिस पे भी डिपेंड करता है। कोई ग्लास या कुछ लगा हो अगर आपके रूम में तो उसकी वजह से भी डिसकंफर्ट हो सकता है। उसके बाद एयर स्टेरिफिकेशन
भी आपका होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और भी एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की वीडियो चाहिए तो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बेस्ट ऑफ लक।